तो भाई आज आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि मैच ही ऐसा जगह हो रहा ना भाई। सबसे पहले स्टेडियम की बात कर रहा था, देखिए अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मैच हो रहा है। देखिए अरुण जेटली का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर ज्यादा विकेट नहीं गिरता है, ठीक है। जो भी है ओपनर्स बैट्समैन इस साइड से चाहे उस साइड से अच्छा रन बनाते हैं, मगर ओपनर्स में वाकई में ओपनर्स के लायक बैट्समैन होने चाहिए। अब इनके तरफ तो आपको पता ही है। खैर अभी मैं फिर से याद को ताज़ा कर दे रहा हूँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ आज अगर नहीं जीते फिर मुश्किल है आपका जीतना, ठीक है। क्योंकि भाई बॉलर्स पे आपको तो ध्यान देना नहीं है, जो भी है बैट्समैन पे आपको ध्यान देना है, उसके बाद बचा कुछ है ऑलराउंडर्स पे, ठीक है। हाँ मेन पॉइंट आता है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने समय दिक्कत आपको, ठीक है, इसमें आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है वो चीज़ मैं लास्ट में बताया हूँ, किसको आज कैप्टन वाइस कैप्टन देना सही रहेगा या कौन सा चार ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है जिसको आपको टीम में लेना चाहिए, ठीक है। अब इतना चीज़ अगर देखते हैं तो आप एक अच्छा टीम बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। देखिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का ये मेंस का मैच है और सेकेंड नंबर का T20 मैच है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अरुण जेटली स्टेडियम है ना दिल्ली में ये मैच होगा 9 अक्टूबर 2024 7 बजे PM मैच शुरू हो जाएगा, मतलब 6:30 बजे आपको तैयार हो जाना है। मेरे हिसाब से अभी से एक वीडियो में लाइक ठोक के तैयार हो जाइए भाई, आपका लाइक हमें देता है मोटिवेशन, मतलब पेट्रोल का काम करता है भाई। हम है मान लीजिए बाइक तो आप है पेट्रोल, आपका लाइक है पेट्रोल, है ना। मारिए और दंदना के चलते रहिए आगे तक। अब देखिए बात करें यहाँ पर इस पेट्रोल में, जैसे मान लीजिए कोई बाइक में पेट्रोल डाला तो उसको क्या क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा भाई जहाँ जाना वहाँ जा सकता है ना। आप एक लाइक ठोक दिए वीडियो में, ठीक है, तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा मैच का डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट बताएंगे जो कि बहुत जरूरी है, हर एक लोग को मैं बोलते बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के जाइएगा। पिच रिपोर्ट, खासकर पिच रिपोर्ट जो है ना बहुत मायने रखता है आपके टीम बनाने में, कैसा आपका टीम बनेगा, बैटिंग लेना है कि बॉलिंग लेना है कि ऑलराउंडर लेना है, आपको पिच रिपोर्ट बताता है, ठीक है, आगे बताऊंगा। उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस, मतलब कि आज के दिन मान लीजिए मैं जानता हूँ कि 3 से 4 विकेट्स गिर रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग मिला के या सेकंड इनिंग मिला के मान लीजिए, ठीक है, तो किसको आखिर बॉलर रखेंगे। आज तो बिल्कुल स्पेशल हो गया था, आप अगर ज़्यादा बॉलर लेकर रख चलेंगे तो आज आपका बॉलर बर्बाद होने वाला है, ठीक है, फालतू। तो इसमें पता करेंगे हम लोग किसको आज टीम में लेकर चलना है बॉलर्स के नाम पर। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मतलब देखिए इन दोनों टीमों में जब भी मैच होता है तो कौन अच्छा मजबूत पकड़ है जिसका या कौन ज़्यादा जीत पाता है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने को डाटा समझ में आएगा। उसके बाद ऑल प्लेयर स्टेटस एंड डिटेल्स, सारे प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, खासकर बांग्लादेशों का, कहेगा उनके पास 11 को नंबर मिला खेलने के लिए, ठीक है। अब जो अच्छा होगा वह बढ़िया खेलेगा, वही पॉइंट देगा, वही 3-4 प्लेयर आपके टीम में रहेंगे, बाकी सब इंडिया के प्लेयर रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ समझना जरूरी है। उसके बाद प्लेयर बैटर, मतलब कौन किसको आउट करता है, वो चीज़ आपको यहाँ से जानने को मिल जाएगा। उसके बाद इसकी जीएल प्लेयर्स, जीएल एसएल टीम आपको साथ में इस वीडियो में हम दे देंगे, समझिए आप पेट्रोल डाले बाइक से कहाँ गए, और यहाँ एक लाइक ठोक दे, देखिए आपको इतना सारा चीज़ देखने को इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर लेते हैं टेकअप। तो यहाँ सबसे पहले बता दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ये बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री होता है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कल से हमारा वीडियो ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्लस में हम टीम फ्री प्रोवाइड करते हैं, जीएल हो चाहे एसएल हो, किसी भी चीज़ का हमारे पास आपके लिए कोई भी सर्विस सब फ्री है यहाँ पर। तो टीम जिसको चाहिए जीएल एसएल का बिल्कुल फ्री में, ज्वाइन हमारे टेलीग्राम कर सकता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में पहुँचने का तरीका बता रहा हूँ, मोर पे क्लिक कीजिए, ये मोर आपको जस्ट सामने दिखता होगा भाई नीचे टाइटल के नीचे, ठीक है, उस पर जैसे ही आप देखते हैं मोर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐसा यूट्यूब का खुल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इस पर आप क्लिक करिए, ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाए, बस आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी फेक टेलीग्राम वाले से बच कर, ये लोग जो है ना उधार पैसा का मतलब बहुत पंचायत है भाई, फेक लोगों का बहुत पंचायत है भाई दुनिया में, ठीक है, तो थोड़ा सा बच के उनसे रही है, जैसे बताएं वैसे ही ज्वाइन कीजिएगा, हमारे साथ आप ज्वाइन रहेंगे, वहाँ किसी के बाप के मजाल नहीं जो आपसे 1 रुपये ले ले, ठीक है। चलिए फिर पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 160 से 170 के करीब में यहाँ पर T20I में एवरेज पिच रिकॉर्ड है, और ये 211 पर 4 विकेट है, 120 पे यहाँ पर 10 विकेट लोवेस्ट है, देख रहे हैं 211 पर 4 तो 120 पे 10 विकेट लोवेस्ट है, जहाँ पर 50 पर 10 विकेट 60 पर 10 विकेट गिरता है, यहाँ 120 पे लोवेस्ट है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। लास्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 9 जून 2022 को हुआ, जो कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। सूटेबल फॉर गुड विकेट फॉर बैटिंग, अच्छा खासा बैटिंग को सपोर्ट मिलता है, पेस एंड स्पिन बूथ गेट हेल्प, अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि 3 मैचों में देखेंगे तो 12 विकेट स्पिन को मिला और 13 विकेट यहाँ पर पेस को मिला, मतलब दोनों को सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। बाकी अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें, देखिए 211 पर 4 है, 212 पर यहाँ पर 3 विकेट, ठीक है,
है, 148 पे 6 है तो 154 पे 3 विकेट है, 202 पे 3 है तो 149 पे यहाँ पर 8 विकेट है, 138 पे 8 है तो 159 पे यहाँ पर 3 विकेट लगभग में देखिए। अगर देखा जाए यहाँ पर तो विकेट रेशियो ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 से 4 विकेट एक एवरेज जा रहा है। कभी कभार मूड सनकने पर ऐसा मामला देखने को मिल सकता है आपको कि 8 विकेट घुस गया है ना, बाकी नहीं तो फर्स्ट इनिंग में 3 से 4-5 ऐसे ही बस विकेट जा रहा है। तो अगर बांग्लादेशी अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग या बैटिंग कुछ करे भाई, समझ में आ रहा बात ना, अगर बॉलिंग करे तो मान लें इंडिया तो एकदम उसको ऐसा रिलाई करेगा कि बांग्लादेश सब समझेगा। अगर बैटिंग भी करता है बांग्लादेश तो मान लीजिए इंडिया रेल देगा इसको, ठीक है, कहीं से भी चैन नहीं है बांग्लादेश को। खैर आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कौन कौन ऐसा प्लेयर है जो सांस नहीं लेने देगा। टोटल मैच 7 हुआ और फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए 3 जीता, सेकंड इनिंग बैटिंग करते हुए यहाँ पर 4 बार मैच को जीता गया इस ग्राउंड पर। टोटल रन की अगर बात करें बेलो स्कोर यहाँ पर 150 से नीचे 3 बार बना, 150 से 169 एक बार, 170 से 189 एक बार और 190 से ऊपर भी रन 2 बार बना हुआ है। तो भाई 7 बार का मैच में सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया। तो जरूर एक कमेंट देखिए आपसे, मैं तहे दिल से आप आज पूछ रहा हूँ हैशटैग डाल करके, हैशटैग डाला नहीं आता भाई, बहुत सारे लोग देखता नहीं डाल पा, क्या है यार समस्या है, आज के ज़माने में हैशटैग यार सीखिए कम से कम, ठीक है, हैशटैग ऐसे डालिए, ऐसे लिखो अपनी हैच डालिए, उसके बाद अपना इंडिया, ठीक है, और 170 रन या 180 रन या 200 रन जो भी लगता है एक कमेंट जरूर मार दीजिएगा, ठीक है, आपका ये कमेंट हम परफेक्ट कमेंट मानेंगे, बाकी किसी को परफेक्ट कमेंट नहीं माना जाता। चलिए फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अरुण जेटली का आप ग्राउंड देख पा रहे हैं पान बहार भाई गजब ऐड होता है वहाँ पर गुटखा का रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, इसका मतलब देखिए ये होता है कि अभी जो फिलहाल है मैच खेला गया, अभी से 2022 में मैच खेला, इसके लिए फिलहाल यही है रिसेंट, क्योंकि यही मैच हुआ है। तो इंडिया 211 बनाए 4 विकेट 20 ओवर में, तो साउथ अफ्रीका 212 बना दिया 3 विकेट 19.1, मैच को जीत के ले गया भाई, ठीक है, 3-1 मतलब 3 पेस को मिला फर्स्ट इनिंग में, स्पिन को 1 विकेट मिला और सेकेंड इनिंग में पेस को 2 विकेट मिला, स्पिन को 1 विकेट मिला। उस टाइप से यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं, ये 2017 का मैच है, ये 19 का मैच है, ये 16 का मैच, बहुत कम यहाँ खेला ऐसा, मगर भाई जो भी है सब में अगर ये 1, 2, 3, 4 साल का आप मैच देखेंगे तो चारों साल में आप देखेंगे लगभग में सिमिलर चीज़ें हो रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। विकेट का रेशियो वही 8-3, 6-3, 3-8, 4-3 मतलब यही लगभग 10 विकेट तो कभी गिरा ही नहीं है, ठीक है। और रही बात पेस स्पिन का तो दोनों को बराबर यहाँ सपोर्ट देखे मिलता है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होते यहाँ पर, ठीक है, कभी ये हावी तो कभी वो हावी होता रहता है इसमें। इसका एक स्क्रीन शॉट पहले आप ले लीजिए, बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिया है ये 148 बांग्लादेश के साथ ही मैच हुआ था, तो बांग्लादेश यहाँ पर हरा दिया था इंडिया को, कब 2019 में, अरे भाई मतलब हद नहीं है और न्यूजीलैंड से मैच हुआ 202 बनाया तो न्यूजीलैंड नहीं हरा पाया था, ठीक है। आज किसके साथ मैच है, बांग्लादेश के साथ मैच है, तो ज़रूर बताइएगा कहानी में कैसे आता है ट्विस्ट, ठीक है। जैसे बांग्लादेश मान लीजिए पहले ये बैटिंग की तो बांग्लादेश बॉलिंग कराई, तो इनके बांग्लादेश के 2 बॉलर को पेसर्स को 2 विकेट मिला था, स्पिनर्स को 3 विकेट मिला, ठीक है, मगर हमारे बैट्समैन स्पिन पे आउट हुआ था, मतलब ये 2019 की बात है, आज 2024 है भाई। खैर देखता हूँ मज़ा आएगा इस मैच में, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, हो गए। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें टोटल मैच 15 हुआ, इंडिया 14 बार जीता, बांग्लादेश 1 बार मैच को जीता, मतलब वही वाला मैच जीता है खाते यार, है ना, लीजिए भाई देख लीजिए यही वाला मैच हुआ को, इंडिया बांग्लादेश का 148-6-20, बांग्लादेश 154-3 और 19.3 ओवर मैच को जीता था, ठीक है, यही एक रिकॉर्ड भाई बांग्लादेश के पास जो कि 3 नवंबर 2019 को जीता है, बस उसके बाद से कोई मैच जीत भी नहीं किया। बताइएगा आज कमेंट करके कि आज का मैच कौन निकाल रहा है, या आप किसके तरफ सपोर्ट में टीम बना रहे हैं ना, जरूर मारिए कमेंट, आपका कमेंट भाई वो बहुत काम करता है हम लोग को टीम बनाने में। अब देखिए हमारा एक काम जो स्पेशल होता है जो हम अपने चैनल पर करते हैं, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, कोई बोलता नहीं, जैसे मैंने बता दिया स्पिन और पेस आज का विकेट लेके जाना, आप उठेंगे आँख बंद करके बस साले को जितना स्पिन है सबको भर, जितना पेस है सबको भर, नहीं मेरी जान ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट 3 मैच हुआ है, राइट आर्म फास्ट नाम के स्पेसर्स को 2 विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 2 विकेट, राइट आर्म मीडियम को 4 विकेट और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को कितना 5 विकेट है। अब आइए लेग ब्रेक, मतलब ये स्पिन का कॉलम चार्ट होता है, ठीक है, जो कि कोई जल्दी बताता नहीं है पूरे यूट्यूब चैनल पे, इस टाइप से हम ही एक हैं जो लेकर आते हैं, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया कीजिए हमेशा देखने के लिए। लेग ब्रेक की बात करें तो इसको 7 विकेट मिला, चाइना मैन को लेकर जाएंगे तो 1 विकेट नहीं मिला, ऑर्थोडॉक्स को 4 विकेट और ये ऑफ ब्रेक को 1 विकेट, तो मतलब एक इसको लेकर चलो, है ना। अगर पेस में बात करें तो पेस में मेरे हिसाब से इन दोनों को ठीक ठाक मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर ये लोग 2-2 विकेट मिला, उसके बाद स्पिन में एक इसको बस यही यहाँ पर है, वो भी 3 मैचों में, मतलब भाई ज़्यादा विकेट गिर ही नहीं रहा है, बात ये तो ज़्यादा खड़म्बा खड़ा करके क्या फ़ायदा अपने को है, ये चीज़ इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, मतलब ज़्यादातर अपने को बैटर और ऑलराउंडर लेकर चलना है। आज देखिए आपके लिए फिर से
25% एक्स्ट्रा गेट, 25 कोट डालिएगा तो 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। 25% कितना होता है पहले मैं ये समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना। आज मान लीजिए आपके पास 10,000 है आपके अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी बैंक में हो, यानी कोई भी इंडियन बैंक में हो, आपको कितना मिलता है सेविंग में? 2%, हार्डली 2% या 2.5%, मारा 3% मिलेगा, उसके ज़्यादा तो कोई बैंक दे ही नहीं सकता है सेविंग अकाउंट में। तो कितना हुआ मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये 10,000 रुपये आप रखते हैं, है ना, या मोटे मोटे मान लीजिए 1,00,000, मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक, या मान लीजिए 100 रुपये ऐसा है ना, तो 3% कितना होता है उसका? 100 रुपये का 3 रुपया हुआ 3%। मगर भाई इस स्पोर्ट्स बाजी में गेट 25 डाल करके अगर आप डिपॉजिट करते हैं आज, ठीक है, 100 रुपये, तो आपको सीधा 25% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब भाई 125 रुपये हो गए, जहाँ बैंक आपको 103 रुपया देगा, हक मुद के देगा 3%, नहीं तो 150-2% मिलता है, बस 103 रुपया होगा हक मुद के, ये आराम से आपको 125 रुपये बना के दे रहा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में स्पोर्ट्स बाजी का, जितने लोगों को समझ में आया जाकर डाउनलोड करके खुद पढ़िए, मगर गेट 25 जरूर डालिएगा, फर्स्ट डिपॉजिट जरूर मारिएगा, ठीक है, 25% एक्स्ट्रा पाने के लिए, ओके। जितने लोग समझ में आए तो खुद ही जाएंगे, मुझे पता है, बाकी TDS GST सब कुछ फ्री भी है, जितना आप जीतेंगे, जितना मतलब यहाँ मान लीजिए 125 कोई कर लिया है ना 100 डाल करके, उसके बाद लगाया टीम, चाहे सवाल का जवाब दिया, कुछ भी किया हो, जितना जीता उतना सब उसके अकाउंट में, 1 रुपये यहाँ कटौती नहीं होगा। तो कितने मज़ेदार चीज़ें, ना TDS ना GST, तो देर करने की देरी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए और छा जाइए स्पोर्ट्स बाजी में, ठीक है। अब देखिए इंडिया का पॉसिबल लाइनअप है, आइए इनके बारे में समझाऊँ थोड़ा सा। देखिए संजू सैमसंग की बात करें तो आज इसको भी टीम में लेके चला भाई, भले ग्राउंड पे नहीं खेला, ओवरऑल बताता हूँ कैसे कैसे, 31 मैच ओवरऑल खेला भाई, टी ट्वेंटी का 473 रन बनाया, 20 का एवरेज है, एक मैच खेला 29 रन, 29 का एवरेज है, ग्राउंड पे एक भी नहीं खेला, 29-0-0-58, यहाँ कोई मौका नहीं, रिसेंट फॉर्म है अभी का, बाकी 89% टीम में लिया है सब, एक 29 पे 29 रन ही मतलब बनाया है ना एक मैच में, भाई इसमें सेकंड इनिंग बनाया हुआ, ठीक है। अभिषेक की बात आती है, अभिषेक सर बड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन बना के ले गया भाई पिछले मैच में, हद थी भाई, अब आ गया भाई 85% लास्ट सला 97% पहुँचा दिया था, समझ देखे बोले वाह बेटे वाह ठीक बा तो ग्राउंड पे एक मैच में 16 ये सॉरी हेड टू हेड में, बाकी 16-14 पे 1 विकेट, 16 पे 100, एक काम करिए, ये अरुण जेटली का है, ठीक है, यहाँ पर तो मान लीजिए बॉलिंग से उतना मतलब है नहीं मेरे को उतना, तो आज इन दोनों को टीम में लेकर चलिएगा, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग आवे चाहे सेकंड इनिंग आवे, ठीक है, दोनों टीम में रहने वाला अपने को। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात आती है, इसको भी टीम में लेकर ही चलिए, 29-8-26-58-3 रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 93% टीम में लिया है सब, फर्स्ट इनिंग में 18, सेकंड में 29 है, सेकंड में और अच्छी बात है, बाकी दोनों में लेके चलिए। नीतीश रेड्डी की बात करें तो 16-0 ये भी मतलब बॉलिंग में फेंका है, बाकी रेड्डी नीतीश रेड्डी लगभग ठीक ठाक ऑलराउंडर है मिला जुला के देखा है तो ये भी टीम में ले चलो, सब लाइन से ले चलो, कोई छोड़ने का नहीं है, कहा है भाई कुछ ना कुछ 20-25 रन बना के सब आएगा, 4-5 विकेट में यहाँ पर काम हो जाएगा, ज़्यादा अंदर लेके चलने की जरूरत फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, रेड्डी हो गया। उसके बाद आता है हार्दिक पांडे, इसको भी लेके चलिए, यहाँ तक मिशन हो गया कंप्लीट। इसमें क्या मिल गया हमको, 2 ऑलराउंडर मिल गए भाई, एक बॉलिंग ये भी कर लेगा, एक बॉलिंग ये भी कर लेगा, ठीक है, 2 मिल गया, मिला जुला के अगर बचा खुचा तो ये अभिषेक भी कभी कभार मिल जाता है कर सकता है, ठीक है ना, बाकी उम्मीद तो हम नहीं रखें, बाकी मिल जाता है करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्लेयर फिक्स हो गया, अब आता है रियान पराग का बारी। अब देखिए यहाँ अगर लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा ओपनर्स विकेट गिरने वाला है, तब हम जाके यहाँ लेंगे, तो उसमें हम अभिषेक शर्मा को हटाएंगे, रियान पराग को ढकेल देंगे, इसका रिसेंट फॉर्म यहाँ मौके नहीं मिला भाई, मौका कैसे मिलेगा, वे लोग जब जिता देगा तो मौका कैसे मिलेगा। अब आज तो और भी मतलब अच्छा दिन है, क्योंकि अरुण जेटली भी पीछे है, कम विकेट में मैच को जीता जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऊपर का हटाएंगे तभी तो नीचे का लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसे लेके जाए क्या फायदा होगा, लोग 13% लिया कहाँ लिया, ठीक है, यही कारण है, एक को हटाइएगा तब लेके जाइए आप रियान पराग, ये भी कोई कम नहीं है, मगर बात है कि हटाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आगे बात करें रिंकू सिंह का, इसका भी मौका मत लगाइए, ये अभी उतना खतरनाक नहीं, भले 60 करने बाद है बात अलग है, ठीक है, 10% टीम में लिया था, मगर क्या है कि अरुण जेटली में उतना मौका जल्दी आएगा नहीं, बहुत लकली चांस बांग्लादेश का रहेगा कि जो बॉलर्स उनके विकेट अच्छा पा जाएंगे यहाँ तक मौका मिल जाए, ठीक है ना, नहीं तो चांस नहीं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की बारी आता है, ऑफ ब्रेक है ये सुंदर, 8 में 8 विकेट निकाला, एक मैच में 14 रन 0 विकेट, यहाँ पर कुछ है नहीं बेचारे का, ठीक है, 56% टीम में लिया सर, सुंदर को आज हम छोड़ने वाले हैं क्योंकि 50 मैच में 45 विकेट है भाई, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब नहीं बोला यार, बॉलर तगड़ा ऐसा नहीं है, और 160 रन ओनली फॉर है, कभी कभार चले तो चले भाई, 160 रन 50 मैच में कौन मारता है भाई, हैं
तो इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वाशिंगटन सुंदर भी छूट सकता है। हाँ, लेना कब है मैं बताया आपको, ऊपर से छोड़ रहा था। जैसे मान लीजिए हमने अभिषेक को बताया, अभी छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब संजू को भी कोई छोड़ रहा था, मेरे हिसाब से यहाँ तक लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। अन्य तो फिर छोड़ दीजिए आप। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, लेग ब्रेक है ये, लेग ब्रेक को एक मैच में 3-7 विकेट, मतलब कि यार बांग्लादेश के साथ खेला बेचारा, अच्छा विकेट निकाला, ठीक है। 83% टीम में लिया सर। और यहाँ हर्षदीप सिंह की बात करें तो इनको 95% टीम में लिया सर। 3-2-2-0। भाई एक सवाल मेरा है आप सबसे, बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं भाई, इसको 83%, इसको 95%, अभिषेक को लिया ही, ठीक है। उसके बाद एक और था ये हार्दिक पांड्या को लिया है भाई, मिला कितना हो गया आपको, बस 4 हो गया। एक और कोई नाम था बीच में मेरा, रेड्डी 5 भाई, मेरे मिला जुला गिन चुन के 5 विकेट गिरना है। अब 5 बॉलर रखना, मतलब क्या है यार, मतलब कहीं से सोचने वाली बात है क्या, बताइएगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर समझ में आ रहा बात तो, और नहीं तो भाई मारिए डबल बाउंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सटीक बनता नहीं है भाई, वो बात अलग है। 3-3 विकेट दोनों को मिले हैं, ठीक है ना। 4 मैच में 8 विकेट है, 1 मैच में इसका 3 विकेट है। 7-7.5 का इकॉनमी इसके पास है, इसके पास भी यहाँ पर कुटाई होगा, ऐसी बात नहीं है। बांग्लादेश का भी लोग जाए चूड़ी पहन के नहीं आएगा, ठीक है। 69% इसको लिया सर टीम भाई, मयंक यादव क्या बात है यार, एक एक एक, मतलब पहला यहाँ पर T20 खेला बेचारा यही IPL के बाद से, ठीक है। रिसेंट फॉर्म तो लगभग ठीक ठाक है, राइट आर्म फास्ट है, अच्छा फास्ट है कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बॉलिंग नहीं भाई, वरुण वरुण हटा, लेग ब्रेक सेग ब्रेक, यहाँ पर एक तो हर्षदीप रख ला ठीक ठाक, ठीक है। बाकी छोड़ दें, कहीं 1-2-3-4 बार 0 में गई वो किया है, ओके। हर्षदीप ही मेरे हिसाब से, बाकी नहीं। उसके बाद मयंक यादव का नंबर हो सकता लगे, पर अभी मैं नहीं लगाऊंगा, जब टॉस होंगी कौन बैटिंग कर रहा उसके बाद मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब लगाऊंगा तो आपको टीम में टेलीग्राम पे बिल्कुल दूंगा, एक्टिव रहिएगा बस, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें बेंच प्लेस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितेश शर्मा वगैरह सब है, तिलक वर्मा है, हर्षित राणा है, रवि बिश्नोई है, क्या बात है भाई, कमाल की बात है। अब देखिए स्टार्ट, हर्षदीप स्टार्ट करेगा, ठीक है। हार्दिक पांडे स्टार्ट कर, देखिए क्या मतलब यार, दो दो लोग स्टार्ट कर देगा, वरुण चक्रवर्ती है मान लीजिए, मयंक यादव, इन दोनों में से किसी एक की मैं जुगाड़ बना रहा हूँ, सही है ना, कि दोनों को लेकर चला जाए, चारों बॉलर जैसा बताइए तोरे हिसाब से चला आज हम, मेरे हिसाब से इन दोनों में से किसी एक, अरे तो दोनों को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डेथ आता है, वाशिंगटन सुंदर है, मयंक यादव है, हार्दिक पांड्या है, हर्षदीप सिंह है। तो मेरे हिसाब से एक मयंक यादव को ही उठा के लेकर चलना बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है, बाकी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया जल्दी लिया, कि थोड़ा सा काम फास्ट रहे तो अच्छा बात है, समझाने के बाद तो अलग है, मगर स्क्रीनशॉट जल्दी। प्लेयर बैटल की बात करें तो संजू संजू कौन किया जानता है, यही मिराज, 1 बॉल 0 रन 1 बार आउट भाई। सूर्य को रहमान 8 बॉल 17 रन 1 बार आउट, ठीक है। ये प्लेयर बैटल है, ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, इतना ही है मान लीजिए। उसके बाद आपके लिए फ्री में मतलब कह सकता हूँ, मिल रहा है तो उठाइए भाई, हर दिन 2,000-5,000 रुपये का फ्री में, मतलब सिर्फ सवाल का जवाब, कई सवाल का जवाब देना पता आपको, टॉस विनिंग टीम ओपन टू बॉल या बैट, क्या लगता है यस या नो, बस इंडिया विल विन द T20 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, हाँ जीतेगा या हारेगा यस या नो, बस यहाँ पर इंडिया विल स्कोर 8 मोर रन्स इन द फर्स्ट ओवर में, 8 रन बनेगा या नहीं बनेगा यस या नो यस, अरे भाई जो आपको लगे उस पर आप सही उत्तर देके पैसा कमाए। जैसे मैंने 9,930 लगा दिया, 6,620 रुपये मेरे को एक्स्ट्रे मिल के आ रहे हैं, है ना। सवाल का जवाब दिया मैं, मुझे पता है होने वाला है, मैं दे दिया। आपको पता होता तो आप भी सवाल का जवाब देकर पैसा कमा सकते हैं, आपको जवाब देना बिल्कुल फ्री होगा, हम तो पैसा लगाए आपके लिए, पैसा नहीं है, क्योंकि हम पैसा वाला भी लगाते हैं और फ्री वाला भी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पैसे इसमें कमाने में मजा आता है। आप भी अगर चाहेंगे तो कमाना चाह सकते हैं। एक दिन में एक दोस्त है यार, दोस्त का मतलब कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स, ठीक है, उसको दोस्त ही बोलते हैं सब्सक्राइबर का नाम, तो अपना दोस्त जो है ना वो एक दिन मैं बताया आया जवान डाउनलोड किया, 48,000 रुपये जीता, कमेंट पर बड़ा खुश हो गया बेचारा कि भैया क्या एप्लीकेशन बताएं, एक दिन में 48,000 मैं जीत गया, दिल खुश हो गया उसका। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप करेंगे ट्राई तब ना यार, कोई मुँह में थोड़े कोई खिलाने आकर ले बेटा खा ले, है कि नहीं। अब बेटा बड़ा हो गया तो भाई खाओ अपने से स्टार्ट कर, इन्होंने हाथ मार दारा, जहाँ मेरे मन जहाँ जुगाड़ बने बस मार दो साले को हाथ, है कि नहीं। देखिए 0 में 5,000 का मिल रहा है, ये लगा लीजिए आप अगर के बिल्कुल फ्री में, मगर फर्स्ट डिपॉजिट मार लीजिएगा, कुछ भी हो आपका
फर्स्ट डिपॉजिट मार लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही लगाइए सही है, फिर विड्रॉ ऑर्डर होगा तो दिक्कत आपको पड़ेगा, ठीक ना। फर्स्ट क्या है, 10, 20, 50 जो आपका मन करे भाई उसको मार लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये आपके लिए सवाल होता है, बस इंडिया विल विन द टी20 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, यस नो। अब इसका मतलब ये 1.16 इंटू यहाँ पर 7.25 इंटू, मतलब इसका इतना से इतना यहाँ मिलेगा। इसको अगर लेते हैं, इस पर लगाते हैं तो भाई आपको इतना ही मिलेगा, इस पर लगाते हैं तो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया विल विन द टी20 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, मतलब बोला कि इंडिया जीतेगा, हाँ जीतेगा। हम बोले नहीं बांग्लादेश जीतेगा, तो भाई 7.25 इंटू आपको ज़्यादा मिलेगा, कमाल की बात है। फर्स्ट रैंक आएगा बस, झोर दो साले को, है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे ही लगाया जाता है बस, और कुछ नहीं। और इस टाइप से आपका सेट होता है, 3 सेट बनता है, आप 5 बना सकते हैं, 7, जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं, मगर खर्च करना कितना, 5,000 क्वाइन है। जैसे 2,000 खर्च किया, 2,000 खर्च किया, 1,000 किया, 5,000, 3 सेट में बन के तैयार हो गया। अब कोई 1,000 करेगा तो उसका 5 सेट में बन के तैयार होगा, ठीक है। बस ऐसे ही जवाब देना, बस पैसा कमाना भाई, तरीका आजमाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। बड़ा अच्छा चीज़ है, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं तब, है ना, आपके हाथों में। बाकी यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का पॉसिबल लाइनअप है, जो कि ये लोग हारने के कगार पर खड़े हैं, फिर भी अपना काम है थोड़ा सा इनके बारे में बात करना। जैसे ये होम्योपैथिक, ठीक है, परवेज, मतलब ये लोग होम्योपैथिक हम बोलते, थोड़ा सा हाई सा, ठीक है। 4 मैच भी तैसे आठ का देखे, कुछ भी घंटा टुल्लू है, ठीक ना, 6% लिया है, तो क्यों ना हम भाई अपने सामने अर्शदीप सिंह और एक ठोका ना अपना बॉलर वा गया यार, हार्दिक पांड्या को रखें, मार के फोड़ दें, तोड़ हटा हटा साइड कर। लिटन दास बड़ी ताव से पिछला बार सब लिया था, नहीं लिए थे हम टीम में अपने, भाग साल कहा देखिए कुछ नहीं दिया, घंटों वैसे खत्म खत्म, 23-23 है, ठीक है ना, 1 मैच में 7। मगर हाँ आज के दिन भाई थोड़ा सा लिटन दास इस ग्राउंड पर अलग खेला है भाई, 7 ही रन बना पाया, ज़्यादा नहीं बना पाया, इसका तो मतलब टाटा फिशिंग है मान ला, ठीक है, मगर फिर भी चलिए आज फिर मौका इसको देते हैं, ठीक ना, आज मौका देते हैं फिर से, आज फिर इसको टीम लेते हैं, क्योंकि 23 के एवरेज इसके पास है लगभग में, और ग्राउंड पे थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्ट मिला, हल्का भी सपोर्ट मिला, चल भाई तो खेल ले, दे दे कुछ 30-40 पॉइंट तो काम हो जाएगा। लिटन दास हमारे टीम में है, नजमल हसैन सैंटो 23-27, ओह क्या बात है भाई, 27-5, 40-41 चार, देखिए अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 बार चला, 2 बार फ्लॉप हुआ, इसको टीम में ले लीजिए, ठीक है। 71% बहुत नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं, एक टीम में लेके एक टीम में छोड़ देंगे, ठीक है, मल्टीपल टीम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तौहीद हिरदोई, ये देखिए अलग चीज़ है, ये 5 बार में 1 बार डसने के लिए फन उठाता है भाई, ऐसे नहीं नहीं उठाएगा, ठीक ना। झंडूबा में पूरे दम 26% लोग टीम में लिए आज, अब इसको छोड़ आप सकते हैं, मगर ये उठा सकता है फन, देख रहे हैं उठाया, उसके बाद इसका फन डाउन है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल टीम बना लें तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर नहीं लिए कल को माल सला लपेट दिया 40-50 रन तो फिर हो गया, मुँह देखेंगे बैठ कर साला क्या कर दिया रे, और ले लेंगे जो टीमों में तो चल भाई ठीक है, मारा नहीं टीम में ना, है ना, ऐसा है। तो नजमुल हसैन सेंटो को अगर देख रहे हैं तो हम 71% ठीक है ले रहे हैं, मगर जिसमें अगर नहीं लेंगे उसमें हो सकता है दो ही वगैरह को हम ट्राई मार दें, ठीक ना। 26% लोग टीम में लिया भी है सर, आज ग्राउंड थोड़ा सा चलेगा ना बैटिंग में, इसलिए लिया है सर। बाकी ये है मेहदी हसन मिराई सरवा, 4 मैचों में 64 रन, बाकी 35 रन एक ही मैच में मार दिया, 1 विकेट, 90% टीम में लिया है सर इसको, चल अच्छा एक ऑलराउंडर है, हम लोग भी लेते टीम में हैं, चलो ले लेते हैं। महमूदुल्लाह रियाद, इसकी बात करें तो ये बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं घंटा कुछ काम करने एक्सपीरियंस, 1 रन बनाता है भाग, 14% टीम में लिया है सर। तो वही चाहिए भाई, मेरी असल मिराज को अगर छोड़ेंगे तो इसको लेकर चलेंगे, क्या करेंगे तुम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मगर यहाँ पर महमूदुल्लाह, ठीक है। मेहदी हसन मिराज को जिसमें छोड़ेंगे, क्योंकि 90% इसको भी उतना कुछ नहीं है भाई, यहाँ मौके नहीं है, यहाँ 8 में 1 है, फिर 0 है, यहाँ पर क्या है यार, है कि नहीं, उतना भी एकदम भरोसा करके 90% लेके हम नहीं जा सकते हैं। जाकिर अली ये 8, 1, 12, 14, 8 क्या है यार, 25, 16, 4% टीम मिली है, सब जाएगा सब, ऐसे लग रहा है। रिशाद हुसैन लेग ब्रेक है ये, 25 में 29 विकेट 2 में 2, यहाँ कोई मौका नहीं है, बाकी 0, 3, 2, 2, 2, 52%, ठीक है, इसको टीम में रखिए, ये 0 में गए वो किया ना, इसको टीम में रखिए एक ठो, ठीक है। उसके बाद तस्कीन अहमद, 0 में गए इसको तो हम छोड़, पहले ही छोड़ कर लेने का आइए नहीं इसको, है ना, 18 साल है 5 में 2 विकेट लिया, क्या लो इसको मैं, हालांकि ओवरऑल बॉलर अच्छा है, 68 में 72 विकेट है इसका, ठीक है, 18% टीम में दे रहा था, हम लोग अभी छोड़ेंगे इसको। सैफुल इस्लाम, इसकी बात करें लेफ्ट आर्म फास्ट है ये, 8 में 8% लोग टीम में लिया था, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं ले रहा भाई, नॉट इंटरेस्टेड, हम भी नॉट इंटरेस्टेड, चलते हैं बस फर्स्ट इनिंग सेकेंड कौन बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले वो देखते हैं बस, ठीक है। हाँ मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा 1-2 विकेट चटकारा, बाकी 11 5 विकेट ही लिया, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, और ग्राउंड पे तो लेवे नहीं किया विकेट, ठीक ना।
सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, सरफुल इस्लाम है, तस्कीन अहमद है और मुस्तफ़ी रहमान है। तो इसमें से आप चाहे तो किसी एक बॉलर को लीजिए, क्योंकि हम क्या किए जानते हैं, स्टार्टिंग के ताबड़तोड़ सारे बैट्समैन इंडिया का लेकर चले हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, लोग को लेकर फालतू में कुटवाएंगे तो नहीं, तो छोड़ देते हैं। आता है नंबर डेथ में मेहदी हसन मिराज, ये ठीक है मान लें। उसके बाद यहाँ पर रिशाद हुसैन, ये भी ठीक है। बस ये दोनों तीनों को सबको हटाइए इस साल को, ठीक है। ये दोनों ठीक है डेथ में, डेथ में क्योंकि विकेट थोड़ा सा जल्दी गिरचा है या रन लेने के चक्कर जल्दी भागा भागी कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों ठीक है। बाकी ओपनर्स के लिए नहीं लेंगे। हाँ, ओपनर्स कब लेंगे, जब हम अभिषेक को नहीं ले रहे हैं, चाहे हम संजू सैमसन को नहीं ले रहे जिस टीम में, उस टीम में हम कुछ ओपनर्स बॉलर यहाँ पर जो स्टार्टिंग ओवर कर रहे हैं उसको ले सकते हैं। जैसे सरफुल इस्लाम ले सकते हैं, यहाँ पर मुस्तफ़ी रहीम को ले सकते हैं या रहमान, सॉरी, उसके बाद तस्कीन अहमद को ले सकते हैं। अगर मैं उधर से पूरा हिला करके लेकर आया हूँ भाई पूरा ओपनर बैट्समैन को, इन लोगों को लेकर क्या करेंगे, मुझे थोड़े करवाएंगे। जा भैया तू व्यास कर, खाली बॉलिंग फेंक कुटाओ और जाओ, है ना, ऐसा करना। इसको लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, ठीक है, मज़े आएंगे। अब तेरे यार के मज़े मज़े हैं, कल के तैयार रहिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड है, कोई भी चीज़ का पैसा नहीं नहीं देना। लिटन दास, इसको देखिए आउट करना, हमारा पांड्या है ना, और सुदीप सिंह, ले 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 गैल भैंसिया पानी में, यहीं से दिख रहा है मेरे को, गैल भैंसिया पानी में, कह के तो दोनों को ताव से लेके गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है नजमल हसन सेंटर, इसको सुंदर आउट करता है। उसके बाद ये परवेज होम्योपैथिक, इसको भी अर्षदीप आउट करता है। उसके बाद ये तौहीद उधर पर कहाँ खेलता है रे भाई, चक्रवर्ती भैया 6 बॉल 9 रन 1 बार आउट किया, ला दरअसल स्क्रीन शॉट मार गया था इसका, ये सब काहेला खेल रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हो, ठीक है, जरूर जाकर वहाँ से ज्वाइंट हो ही जाइए। अब यहाँ से देखिए आपको टीम मिल रही है, इसका एक स्क्रीन शॉट तो ले ही लीजिएगा। बाकी आज का जीएल ट्रंप कार्ड प्लेयर, ये मत बोलिएगा नहीं बताया, सब बताते हैं भैया, आपकी मर्जी, कितना देखने कहाँ भगा रहे हो आप जाने, ठीक है। नितेश रेड्डी, रियान पराग, यहाँ पर ये महमदुल्ला सरफुल इस्लाम, ओहो जाने मन समझ में आ रहा कुछ है, 4 ट्रंप कार्ड प्लेयर हैं अभी, चारों का चारों सभी की टीम से आउट है, जाकर देख लीजिए। और इसमें से 4 में से 2 या 3 प्लेयर फिक्सिंग मान लाओ, मजबूरी पे आया तो चारों भी, अगर कुछ उटपटांग हुआ तब, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी जान इस पे। और नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर से बता दूंगा या और लोग बता देंगे, नहीं तो फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं खुद अपना टीम बना के दूंगा, आप भी बना लीजिएगा। सेफ सीवीसी की बात करें, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, हर्षदीप सिंह और मेहदी हसन मिराज, ये थोड़ा सेफ सीवीसी लोग बना कर जा रहे दुनिया भर का सब, इसलिए सेफ सीवीसी। हम लोग तो बड़ा अलग खेलते हैं, अपने अलग ही गेम चलता है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो हम यहीं तक छोड़ते हैं यार, वीडियो अगर पसंद आई एक लाइक ठोक दीजिएगा, ठोकने जैसा, ठीक है, लगेगा ठोके लाल पीला हरा कर दीजिए पूरा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए, ताकि कल भी आपको ये प्रेडिक्शन वाली वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम पर मिले, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीन शॉट। चलिए फिर आपसे मैं टेलीग्राम पर मिलता हूँ, जाइए स्पोर्ट्स बाजी में खेल कर देखिए और टीम बना कर देखिए कितना मज़ा आता है ना भाई, नए नए लोग जीत के लेके जा रहे हैं, पुराने लोग क्यों नहीं जीत सकते हैं। ओके, मिलता हूँ, टाटा बाय।